मुकाबला है 17 वर्ष के वयस्क के पुल्टू का, इसके अंदर रणवीर का मुकाबला हो रहा है अभिमन्यु से राठौर और रणवीर बहुत अभिमन्यु राठौर को वैसी ही चुनौती देंगे रणवीर, लेकिन खाता खोल चुके हैं अभिमन्यु 1-0 से। शुरुआत में पीछे दिखे थे लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो रफ्तार पकड़ी थी किताब पर जाकर रुकी थी। अब उनके पास मौका है कि वही रफ्तार दिखाएं, लेकिन तो एक से आगे हैं अभिमन्यु, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अभिमन्यु भी। निसंदेह रणवीर का पिछला मुकाबला अभिमन्यु ने देखा था और उसी से सबक सीखते हुए उनके वारों की काट की और अपनी ओर से हमले बोले और 3-1 की बढ़त बना ली अभिमन्यु ने। और फिर एक बार भारी अभिमन्यु 3-1 से आगे हैं रणवीर, पिछली बार की तरह के आप बाजी पलटने में सफल होंगे यह तो वक्त बताएगा। मुकाबला अभिमन्यु से है तो ज्यादा मजबूत, ज्यादा उत्साही, ज्यादा फुर्तीले दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ एक अंकार युग मिला है, 4-1 से आगे हैं। रणवीर की निगाह होगी जिदान किक पर, बजारी या जिदान किक से ही पॉइंट अर्जित करना चाहेंगे वे, देखना होगा सफल होते हैं या नहीं, क्योंकि अभिमन्यु ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं फिलहाल। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो पिछला मुकाबला है आपकी बहुत सारी ऊर्जा व्यय करा देता है और यहाँ 6-1 से जीता है यह मुकाबला, लेकिन अभी कुछ समय बाकी, 6-1 की बढ़त है अभिमन्यु के पास। अभी मुकाबला है यह स्मर का, मतलब इतना आगे निकल चुका है वीर के लिए उसे पार पाना बहुत मुश्किल होगा, इतना फासला काट रहा है, वह भी खासतौर से फाइनल में आसान।